तो क्या होगा ठीक है तो अगर हम देखें कि अपनी जो फैमिली है उसमें क्या है वो जॉइंट फैमिली भी हो सकती है और सिंगल फैमिली भी हो सकती है हो सकती है ना इट मीन्स कि जॉइंट फैमिली मीन्स अगर आपके ग्रैंड फादर्स ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं कजिन्स रहते हैं अंकल आंट रहते हैं है ना तो वो क्या होगी आपकी जॉइंट फैमिली है ठीक है अगर आपकी फ़ैमिली में केवल मदर फादर और आप सिबलिंग्स रहते हो यानी कि भाई बहन रहते हो तो वो फैमिली आपकी हुई स्मॉल फैमिली ठीक है न्यूक्लियर फैमिली यू कैन से सो टुडे वी हैव टेन पॉइंट्स अबाउट माय फैमिली ओके जैसे ये पिक्चर है अगर आप चाहें अपना फैमिली फोटो है ड्रॉ भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं ठीक है बाहर नहीं जाना है ड्रॉ करना है घर पर बैठ ही अगर आप करेंगे ठीक है तो फोटो के लिए बाहर नहीं जाना है फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से अगर आप ड्रॉ करना चाहें इस डायग्राम को तो आप इजिली कर सकते हैं ठीक है तो लेट्स टेक द टेन पॉइंट्स ऑफ माई फैमिली फर्स्ट पॉइंट इज माई फैमिली इज़ ए स्मॉल स्लैश जॉइंट फैमिली सो वी हैव यूज टू पॉइंट्स है वन इज़ स्मॉल एंड वन इज़ ज्वाइंट ठीक है अब आपको क्या करना है दोनों लेटर्स नहीं लिखने ठीक है थीके? अगर आपकी फैमिली स्मॉल है यानी कि फैमिली में केवल आपकी मदर हैं फादर हैं और आप सिबलिंग्स हो यानी कि भाई बहन हो तो क्या करोगे आप स्मॉल लिखोगे पर अगर आपकी फैमिली में कौन कौन है ग्रांड पेरेंट्स है ठीक है ग्रांड पेरेंट्स है और मम्मी पापा हैं आप सिबलिंग्स हैं तो ये पूरी फैमिली क्या हुई जॉइंट फैमिली ठीक है और इसके बाद अगर आपके साथ अंकल आंट भी रहते हैं आपके कज़न ब्रदर भी रहते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द जॉइंट फैमिली ठीक है अगर आप सिंगल मदर फादर और सिबलिंग्स हो तो वो है आपकी सिंगल फैमिली या स्मॉल फैमिली ठीक है सेकेंड इज देर आर सेवन मेम्बर्स इन माई फैमिली अब मैंने यहाँ पे सेवन लिखा तो आप अपनी फैमिली का में काउंट करिए आपकी फ़ैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है अब कौन कौन है आपकी फैमिली में दे मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर माय ग्रैंडफादर फादर ग्रांड फादर मदर एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर एंड मी यहाँ पर मैंने सेवन लिखे हैं ना अब आपकी फैमिली में जो भी हैं जैसे हो सकता है फादर मदर एंड यू ऑल्सो है ना सो so, ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट इज़ माई फादर इज़ अ शॉप कीपर एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ यहाँ पर क्या है फादर का प्रोफेशन है यानी कि आपके फादर जो भी करते हैं शॉप कीपर हैं टीचर हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं है ना या फिर कुछ अदर बिजनेस से रिलेटेड हैं तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे ठीक है और अगर आपकी मदर भी सर्विस करती हैं तो आप मदर का भी लिख सकते हैं अभी मैंने मोस्टली यहाँ पे हाउस वाइफ कहा हुआ है यानी कि घर पे ही रह के बहुत सारे काम करती हैं मदर तो आप यहाँ पे हाउस वाइफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं ओके नेक्स्ट वर्ड इज़ माई ग्रांड इज़ द हेड ऑफ माई फैमिली एंड टेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीज़न अब देखिए यहाँ पर ग्रांड फादर वर्ड यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ जॉइंट फैमिली की बात अगर आपकी फैमिली में ग्रांड फादर नहीं है तो आप यहाँ पर फादर भी लिख सकते हैं ठीक है और अगर फादर नहीं है तो आप यहाँ पर मदर लिख सकते हैं मतलब जो भी आपकी फैमिली में हैड हैं यानी कि बड़े हैं सबसे आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं ओके सो माई ग्रांड फादर इज़ हेड ऑफ माई फैमिली मैंने लिखा है कि मेरे ग्रांड फादर जो हैं वो हेड है मेरी फैमिली के और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजनस होते हैं यानी कि कोई भी बात में अगर निर्णय लेना होता है तो वो किस कौन लेते हैं ग्रांड फादर लेते हैं ओके नेक्स्ट इज वी हैव वी ऑल हैव डीप रिस्पेक्ट एंड लव टूवर्ड्स ईच अदर हम सभी में आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है आदर है और बहुत ही लव है यानी कि प्यार है ठीक है और हम सब मिलकर इस तरीके से अपनी फैमिली में रहते हैं सेवन वी हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग बैड टाइम्स ठीक है हम एक दूसरे की मदद करते हैं बैड टाइम्स में और ये तो फैमिली का सबसे बड़ा क्या है रूल है है ना कि जो फैमिली में है चाहे अच्छा टाइम है चाहे आपका बैड टाइम है तो जो भी टाइम होगा आप उसमें क्या रहेंगे साथ रहेंगे विच गिव द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी यानी कि रक्षा की और कंफर्ट और जो आराम है वो हमें फैमिली देती है ओके नेक्स्ट इज़ वी सेलिब्रेट और मेजर फेस्टिवल टुगेदर विद माय फैमिली ये तो होता ही है ना जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो हम सब साथ मिला मनाते हैं माई फैमिली प्रोवाइड मी अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मेरी फैमिली मुझे विश्वास देती है एंड मोटिवेशन टू डू वेल इन लाइफ और लाइफ में अच्छा करने की प्रेरणा देती है एज फार एज़ माई रोल इन द सोसाइटी इज़ कंसर्न और इसी के आधार पर मेरा जो भी रोल होगा सोसाइटी में वो बनता है एंड लास्ट इज माई आई लव माई फैमिली वेरी मच ठीक है ये टेन पॉइंट्स आपके हैं वीडियो स्टॉप करके इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अगर नहीं समझ में आए तो फिर पर्सनल मैसेज में आप पूछ सकते हैं